डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने जेनेटिक्स के बेहद ज़्यादा एस्पेक्ट पढ़े होंगे कि डीएनए क्या होता है, किस तरीके से जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, मतलब जीन में बदलाव कैसे आता है और वो बदलाव किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो ये तो आज के टाइम पर हमें एम्पल ऑफ नॉलेज है। आज हम कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, कौन कौन से लैंडमार्क इसमें डिस्कवरीज हुई हैं और किस किस की इसमें कंट्रीब्यूशन है। जेनेटिक्स जो है वो एकदम से डायरेक्टली इवॉल्व नहीं हुई थी। एवोल्यूशन का कंसेप्ट जेनेटिक्स से पहले आया हुआ है, जैसे लेमार्क है या डार्विन है, जिन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिज्म बदलते हैं और ये जो बदलाव है ये उनके तक कन्फाइन नहीं रहता, ये अगले जनरेशन में भी जाता है और एक्युमुलेट होता जाता है और एक स्टेज आती है कि एक नई स्पीशीज बन जाती है ना। बट दे नेवर न्यू अबाउट कि भाई कौन सी चीज़ है जो अगली जनरेशन में जाती है, वो किस तरीके से जाती है, किस जगह में बदलाव आता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं पता थी। तो सबसे पहले इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन आई वो आई थी, जो लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन वो थी ग्रेगर मेंडल की वजह से। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया कि पी प्लांट के ऊपर काम किया था और उसने पी प्लांट के कुछ ट्रेड्स अपने मन में रखे, अपने माइंड में रखे कि मैं इन ट्रेड्स के बारे में स्टडी करूंगा। और वो ट्रेड थे हाइट, पॉड अपीयरेंस, सीड टेक्सचर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर। तो ये जो 7 ट्रेड उसने दिमाग में रखे, तो इन ट्रेड को लेके उसने अलग अलग टाइप से प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराई, जब ब्रीडिंग कराई, जब पॉलिनेशन करवाई और देखा कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। और बेस्ड ऑन डैट मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 4 लॉज दिए थे उस टाइम पे, जो कि चारों एक्सेप्ट नहीं हुए, एक ही एक्सेप्ट हुआ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अदरवाइज ने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिट करेक्टर, पहला जो आज के टाइम पे प्रिंसिपल लेके चलते हैं, ठीक। तो उसमें बोला था कि डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। देन सेग्रीगेशन के ऊपर बोला कि गैमिट बनने के टाइम पे जीन जो है सेग्रीगेट कर जाते हैं। उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं यूज़ किया गया था, बेसिकली मैकमिलन, या आप बोल सकते हो कि फैक्टर वर्ड यूज़ किया गया था, या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। तो यहाँ पर यूनिट करेक्टर में उसने बोला था कि ए करेक्टर जो है वो पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है और मैकमिलन कंट्रोल करता है। तो यू ये जो मेंडल ने दिया था ये हेड ऑफ टाइम था, मतलब मेंडल ने ये काम किया इसके ऊपर और उसे पब्लिश भी किया इन ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक। लेकिन तब उसके काम को इतनी ज़्यादा अटेंशन पे नहीं की गई अनलेस 1900 में। तो 1900 में क्या हुआ कि मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया गया टेशरमार्क, डी वेरिस एंड कोरन ने, और उन्होंने दुनिया को बताया कि यह मेंडल क्या डिस्कवर करके गया हुआ है। दैट इज वाई मेंडल को हम लोग लेके चलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि मेंडल की एफर्ट की वजह से ही जो है ये एक नई ब्रांच हमारे सामने आई, ठीक। फिर 1902 में क्या हुआ, ये साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इन ए सेल और ये दिखते भी हैं डाई करके, ठीक। तो देवर सपोज टू बी द फैक्टर ऑफ हेरिडिटी, और ये किसने बोला, वो ये था सूटन एंड बॉबरी ने। तो 1902 में सूटन एंड बॉबरी ने ये कह के दे दिया कि भाई सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और यही क्रोमोसोम है जो अगली जनरेशन में ट्रेट लेके चलते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1905 की बात की जाए तो बैट्सन ने प्रोवाइड की स्टडी इन ए लिटल टाइटल सॉरी जेनेटिक्स। तो उसने क्या डिस्कवर किया था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जिनका सेम साइज होता है, शेप होती है, एक्सेप्ट द पेयर दैट डिटरमाइन द सेक्स, वो एक्स और वाई क्रोमोसोम है। 1908 में हार्डी वेनबर्ग ने क्या किया था, ला दिया था किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन की कंडीशन क्या रखी कि वो उसमें रैंडम मेटिंग मेंबर होने चाहिए। ये 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 11th क्लास वालों को इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा कि ये क्या नाम बोल रहा हूँ
और उन्होंने क्या करके दिखाया हुआ। ये जो एक्चुअल टर्म जी है ये बेसिकली दी थी इन 1909 में जॉनसन ने, और अ बुक नेम्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो पब्लिश की थी इसी साल गैरेट ने, आर्कीवेल्ट गैरेट ने शो किया कि भाई जीन के एबनॉर्मलिटी की वजह से, म्यूटेशन की वजह से कई बार क्या होता है कि प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। डेट इज़ वाई आर्कीवेल्ट ने एक नई चीज़ डिस्कवर करके दे दी थी, और आर्कीवेल्ट को हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का खिताब भी देते हैं। देन ईयर 1910 थॉमस एच मॉर्गन, इन्होंने एक कदम और आगे रखा, तो इन्होंने क्या ड्रासोफिला के ऊपर स्टडी की। ड्रासोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई, जो आप लोग बाजार में जाते हो फ्रूट लेने के लिए तो उसके ऊपर जो फ्लाई घूम रही होती है ना, किसी को नुकसान तो करती नहीं, तो इसने उसमें स्टडी किया था कि इसमें वाइट आई का जो म्यूटेटेड ट्रेट है वो रिलेट करता है एक्स क्रोमोसोम। मतलब इसने बताया था कि कुछ ट्रेड जो हैं वो सेक्स लिंक ट्रेड होते हैं, जैसे कि वाइट आई ड्रासोफिला में एक म्यूटेंट है, नॉर्मल वो रेड होती है तो वो म्यूटेंट है, और वो म्यूटेंट ट्रेड जो है वो किस में कन्फाइन है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक, इन 1911 में मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक, जो कि सूटेन बोवरी ने भी बोल के रखा हुआ था। 1927 के आते आते इन्होंने ये भी डिस्कवर कर लिया हुआ था कि एक्सरे की वजह से म्यूटेशन होती है, और ये जो आइडिया था ये म्यूलर ने दिया था। 1931 में क्या था, क्रिंगटन एंड स्टर्न, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है बाय एक्सचेंज ऑफ जीन मार्कर, और उन्हें मेज और ड्रोसोफिला में ये चीज जो है मैटर को बताया था। 1931 में एक और बेहद अच्छी जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी कि मैकलिंटॉक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जंपिंग जीन होते हैं, कि मतलब कुछ जीन जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, वो एक जगह से हटके दूसरी जगह भी जुड़ जाते हैं। अभी तक हमें पता था कि जीन जो है वो आज के टाइम पे पता है कि जीन जो है वो डीएनए में होते हैं, और हमारे दिमाग में आइडिया होता है कि जीन आर फिक्स्ड, लेकिन इन्होंने मूवेबल जीन बताए थे जिनको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं, आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। उसका क्रेडिट जो है मैकलिंटॉक को जाता है। 1940 में क्या हुआ था कि ओलाइवर ने एक्सप्लेन किया था कि रिकम्बिनेशन का क्या पैटर्न होता है विद इन द जीन, और 1941 में बीडल एंड टैटम इन्होंने एक हाइपोथीसिस दिया था, वन जीन वन एंजाइम, मतलब एक जीन जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या है, जीन के ऊपर ओवर स्टडी की जा रही है, पता किया जा रहा है क्या क्या वो कर सकता है। 1944 में क्या हुआ, एब्रे मैकलियोड मैकॉटे इन्होंने कलेक्टिवली प्रेजेंट किया और डिमॉन्स्ट्रेट भी किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल डेट इज डीएनए। तो इन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, ठीक, एक ऑर्गेनिज्म किसी और में ट्रांसफर हो सकता है, और किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। 1950 की बात की जाए अगर, तो 1950 में क्या था जो कि एक और रिमार्केबल स्टेप था कि डीएनए के बारे में पता चल चुका था, तो उसमें चारगाफ ने बोला था कि भाई डीएनए में चार जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो रैंडमली आपस में बॉन्डिंग नहीं करते, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ करेगी और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्डिंग करेगी, ये चारगाफ ने दिया हुआ है, ठीक। 1952 की बात की जाए तो मार्था चेज और हार्शे ने क्या बताया था कि जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरियोफेज में एक्चुअली डीएनए है, प्रोटीन नहीं। मतलब इससे पहले ये उनको ये भी इतना ध्यान में नहीं आ रहा था कि शायद जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या प्रोटीन होगा, तो इन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, नॉट द प्रोटीन। देन एक और रिमार्केबल स्टेप जो बेहद इंपॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, वो जो रिमार्केबल स्टेप था वो 1953 में आया,
वाटसन एंड क्रिक की वजह से। इन्होंने क्या किया कि जो भी पहले डीएनए के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है, चाहे वो रोज एंड फ्रैंकलिन की वजह से, चाहे एवरे की वजह से, ठीक, चाहे चारगफ की वजह से, इन्हें सारा डाटा को कंपाइल करके बताया कि एक्चुअल में डीएनए होता कैसे है और वो रेप्लिकेट कैसे करता है। सी, आपके पास इंफॉर्मेशन हो लेकिन आप उसे कंपाइल ना कर पाए तो कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं आता। तो इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक, फिर 1956 में लिवान प्रेजेंट द नॉर्मल ह्यूमन जीनोम जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो सी, 1956 से पहले हमें यह भी नहीं पता था कि हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। और 1957 तक फ्रैंकलिन और सेंग ने ऑब्जर्व किया था कि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इन केस ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस है उसमें डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए में है। तो मतलब 1957 में फ्रैंकलिन और सेंग ने बता दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटीरियल नहीं है, कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल। ठीक, देन 1958 मिजलसन एंड स्टॉल, इन्होंने प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ठीक, तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मैनर का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए के दो स्टैंड हैं ये दो नए स्टैंड तो बनाते हैं लेकिन एक स्टैंड हमेशा पुराना रहेगा और एक स्टैंड हमेशा नया रहेगा। सो जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके दो स्टैंड अलग हो जाते हैं, हर एक स्टैंड एक नया स्टैंड अपने साथ वाला बना लेता है। सो जो नए वाले डीएनए बनते हैं उनमें एक स्टैंड पुराने डीएनए का होता है और एक स्टैंड जो होता है वो नए वाले डीएनए का होता है। राइट, तो देखिए धीरे धीरे फोकस कहाँ से हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव तक पहुँच गए हैं। और इसी साल कॉम्बरवर्क ने क्या किया था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट किया था फ्रॉम ई कोलाई सेल। 1961 में जैकोब ने लैक ओपरॉन मॉडल जो कि जीन रेगुलेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रपोंड किया था। और 1970 में टैमिन एंड कोलीग जो कि वाल्टीमोर था, उन्होंने डिस्कवर किया कि एंजाइम फॉर जीन क्लोनिंग एंड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जीन क्लोनिंग के लिए किसी जीन की कॉपीज क्रिएट करनी है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है कि वो वाला एंजाइम जो आरएनए से डीएनए बनाए, इन दो एंजाइम की इसने डिस्कवरी कर ली थी। 1977 में मैक्साम गिलवर्ट एंड सेंगर ने प्रेजेंट किया था मेथड ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। तो जीन को कैसे सीक्वेंसिंग की जाएगी, मतलब देखिए अब पता चल गया कि पहले लगता था कि कुछ सेल के अंदर है जो अगली जनरेशन में जाता है, देन हमें पता चला कि वो जो अगली जनरेशन में जाता है, जो करेक्टर को कंट्रोल करता है, वो क्रोमोसोम है। लेटर ऑन पता चला क्रोमोसोम भी नहीं, डीएनए है। फिर पता चलता है कि नहीं, डीएनए ही अकेला नहीं है, कई ऑर्गेनिज्म में आरएनए है। देन वी कम टू नो कि इन डीएनए में जीन होते हैं और ये जीन जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, फिर हमें यह भी पता चल गया कि भाई जीन हमेशा फिक्स नहीं होते, कुछ ऐसे जीन है जो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। हमें यह भी पता चल गया कि एक्सरे की वजह से म्यूटेशन होती है। तो कितनी सारी चीज़ों का हमें पता चल गया हुआ था। राइट, तो अब नेचुरली बात है कि जब हमें पता चला कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं तो साइंटिस्ट की पहली क्या अभिलाषा थी कि हम ह्यूमन बींग में देखते हैं कि किस किस क्रोमोसोम में कौन कौन सा जीन है, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं हमारे में, कौन सा जीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा लेंथीएस्ट जीन है, कौन सा शॉर्टेस्ट जीन है। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जीन सीक्वेंसिंग जरूरी थी। राइट, फिर अगर हमारी बात की जाए तो देन वी कम टू द नोटिस ऑफ ईयर 1987 जो कि स्क्रीन पे नहीं दिया हुआ आपकी, कैरी म्यूलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसकी इन्वेंशन की थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मशीन है पीसीआर जिसमें डीएनए की बड़ी सारी कॉपीज को बनाया जाता है, मतलब जीन की बड़ी सारी कॉपीज को बनाया जाता है। अदरवाइज जो पहले का
बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट था वो काफ़ी लेंथी था और हैफजट था। 1995 में साइंटिस्ट ने कंप्लीटेड द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा जो कि इन्फ्लुएंजा काज करता है, उसकी जीन की सीक्वेंसिंग को पूरा कर लिया था 1995 तक। और 1996 में इयान विलमंट ने क्लोन किया था पहली शीप जिसका नाम रखा गया डॉली शीप। ये तो काफ़ी फेमस है कि इयान विलमट ने पहली बार क्लोन बनाया और वो क्लोन शीप का था। क्लोन कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, वो थ्रेटिकल में हम पढ़ेंगे 12th में। देन 1998 में रिसर्चर ने रिलीज किया फुल जीनोम सीक्वेंस किसका, मल्टी सेलर यूक्रियाट कैनोरेबिटिस एलिगन। 2000 में इन्होंने क्या किया कि ड्रासोफिला मेलानोगेस्टर का फुल जीनोम, मतलब उसमें कितने क्रोमोसोम, कितने जीन, क्या जीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सब की इंफॉर्मेशन तैयार कर ली। 2001 के आते आते इन्होंने क्या किया, रिलीज कर दिया था ड्राफ्ट किसके लिए, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक, और विद दी हेल्प ऑफ सिलोरा जीनोमिक। फिर दो रिसर्चर जो कि फ्रांसिस्को मोजिका एंड रूड जेंसन था, इनने प्रपोज किया एक्रोनेम, जो एक्रोनेम क्या था, CRISPR, ठीक, जो कि एडिटिंग टूल बेस्ड था बैक्टीरियल सेल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। 2003 तक रिसर्चर ने अनाउंस कर दिया कि हमने भाई 99% या 99.99% ऑफ एक्यूरेसी से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सीक्वेंस कर लिया है, मतलब हमें पता चल गया है कि कितने क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम में, मतलब डीएनए के ऊपर जो जीन है वो कितने हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। 2004 में मैक ने इंट्रोड्यूस की थी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, ठीक, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो हेल्प करती थी ट्यूमर सप्रेसर, मतलब बहुत इन्फेक्शन अफेक्ट करती थी ट्यूमर सप्रेसर जीन के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो उसकी वैक्सीन इन्होंने तैयार कर ली हुई थी उस वायरस के लिए। तो कैंसर जो है वो सिर्फ जीन की वजह से नहीं होता, कुछ वायरस की वजह से भी होता है, तो उस वायरस के अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली हुई थी। 2007 तक माइकल वॉर्बे इन्होंने एनालाइज किया था किसको, ट्रेजेस ऑफ एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक, तो HIV का इसने छांट मारा, देख मारा कि कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन के अंदर, ठीक। 2008 में, मतलब 2008 में जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया फर्स्ट जीन थेरेपी बेस्ड ऑन हॉस्टन बेस्ड एंट्रोजन एडवैक्सीन। 2010 में रिसर्चर ने पहली बार फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक एफेक्टर न्यूक्लियस फॉर रिस्ट्रिक्टेड कटिंग एंड जीनोम एडिटिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो है वो तैयार कर लिया हुआ था। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर न्यूक्लियस किसके लिए, रिस्ट्रिक्टेड कटिंग के लिए, डीएनए की कटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इन्होंने तैयारी कर ली थी। तो आगे फिर जो माइलस्टोन स्टेप होते गए वो तो अभी चल रहे हैं।